Hello friends, welcome on Success Keys. Today we are discussing chapter 6 of the book Indian Polity by M. Lakshmikant, that is citizenship. First is the what is the meaning of this and kya iska mahatav hai. India ke andar do type ke log, do kind of peoples rehte hain. First is citizens aur kuch hote hain aliens, matlab jo foreigners hote hain. Citizens jo full member hote hain Indian state ke aur wo uske prati nishthavan hote hain. Ye enjoy karte hain sabhi civil aur political rights ko, mat dene ka adhikar hain aur other civil rights hain. But aliens jo hote hain on the other hand, citizens hote hain kuch other, citizens of some other state, kisi aur desh ke nagrik hote hain aur inko pure enjoy nahi kar pate ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को. ये दो कैटेगरीज के एलियंस होते हैं. मींस एक तो वो लोग जो हमारे कोई फ्रेंडली देश से आए हैं, जैसे जापान, अमेरिका, इनसे आए हैं, और एक वो लोग जो हमारे एनिमी एलियंस देश से आए हैं, लाइक पाकिस्तान, चाइना. तो ऐसे जो आए हैं, तो यहाँ से ये जो दो कैटेगरी के होते हैं, फ्रेंडली एलियंस को सब्जेक्ट किया जाता है ऑफ दोज कंट्रीज दैट हैव कॉर्डियल रिलेशन विद इंडिया. एनिमी एलियन जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, जिनके साथ हमारी कोई जंग हो चुकी है, ये इंजॉय करते हैं कुछ कम राइट्स देन द फ्रेंडली एलियंस को. बहुत कम राइट मिलते हैं, जैसे कि ये इंजॉय नहीं कर सकते प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22, जो हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था कि जब अरेस्ट एंड डिटेंशन प्रिवेंटिव या पुनिटिव होती है तो यहाँ पे इनको ही कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती. कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर करती है कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या राइट होते हैं, ये एलियंस के लिए नहीं होते, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ ये सिटीजन्स को दिए जाते हैं. सबसे पहला राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन. अब हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लिया है, तो अब आपको ये जो सिटीजनशिप के प्रावधान है बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, तो इसलिए मैंने इसको बाद में करवाया है, ठीक है. तो जो राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के लिए, तो ये आर्टिकल 15, ये सिर्फ एलियंस के, सिर्फ सिटीजन्स के लिए, ना कि एलियंस के लिए. राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो पब्लिक जॉब्स हैं वो भी किसको मिलती हैं, सिटीजन्स को मिलती हैं. सिटीजन्स को ही नहीं मिल पा रही हैं, फॉरनर्स को तो कहाँ से देंगे. फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, जो आर्टिकल 19 में एफ तक, जो ई तक जो भी सारी राइट्स हैं वो इसके अंदर सिटीजन्स के लिए होती हैं. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो 29(3) में दी हैं वो भी सिटीजन्स के लिए होती हैं. वोट देने का अधिकार लोकसभा और लेजिस्लेटिव जो राज्यसभा होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसके अंदर मत देने का अधिकार सिटीजन्स को है, और वो एक कंटेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब लड़ भी सकते हैं इलेक्शंस को. और जो पब्लिक ऑफिसेज को होल्ड करने का अधिकार है ये भी सिटीजन्स को है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कुछ सर्टेन ऑफिसेज हैं जहाँ पर सिर्फ हमारे सिटीजन्स ही बैठ सकते हैं, कोई भी एलियंस जाके नहीं बैठ सकता, जैसे एडवोकेट जर्नल ऑफ द स्टेट, अटर्नी जर्नल of the state. अलॉन्ग विद इन राइट्स के साथ साथ जो सिटीजन्स होते हैं, हमारे जो देश के नागरिक होते हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, ठीक है. फंडामेंटल राइट्स के बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हुई हैं DPSP के बाद में, कि हमारे देश के प्रति कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, कि हमें डिग्निटी का ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानना है, फ्लैग को यहाँ पर रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग को, हमें टैक्सीज को पे करना है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, और अपनी कंट्री को डिफेंड करना है. बोथ जो सिटीजन्स होते हैं, चाहे बाय बर्थ हो चाहे वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स हो, वो एलिजिबल होते हैं फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. वाइल USA के अंदर, यहाँ पे हम अगर नेचुरलाइज्ड मतलब कि 5 साल तक हमारे देश के अंदर रह रहा हो, फिर उसने सिटीजनशिप ली हो, तो वो उसको भी यहाँ पे वो प्रेसिडेंट के ऑफिस तक पहुँच सकता है. बट USA के अंदर क्या होता है कि सिर्फ जो सिटीजन जिसने वहाँ पे जन्म लिया हो उस देश के अंदर, वही वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है. ऐसे नहीं कि कोई जाके उसने नागरिकता ग्रहण करी और उसके बाद में वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, नहीं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 5 से 11 में अंडर पार्ट 2, अब सिटीजनशिप किस में है, पार्ट 2 के अंदर यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं सिटीजनशिप को लेके. हाउएवर यहाँ पे कोई नाइदर एनी परमानेंट ना ही कोई इलेबोरेट प्रोविजन दिए गए हैं इसके लिए, ठीक है.
तो यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है कि इसके अंदर चेंजेस लाए जाते हैं हर बार. आप देखते हैं कि पार्लियामेंट इसमें चेंजेस लाई गई, यहाँ पे कुछ डिफाइन करे गए हैं. इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट. यहाँ पे ये बताया गया कि कौन सिटीजन ऑफ इंडिया होगा जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद में कौन सिटीजन था. ये डील नहीं करता कि आपकी प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन या लॉस ऑफ सिटीजनशिप जब उसके बाद में जब संविधान लागू हो गया उसके बाद में किन किन की नागरिकता भंग हो गई थी, किनको नागरिकता नहीं की दी गई, और एक्विजिशन किसने एक्वायर करी, किसकी लॉस हो गई, जिस किसको मिली थी या किसको लॉस होगी. ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी कानून बना सकती है सिटीजनशिप से रिलेटेड. पार्लियामेंट ने इसके बाद में काफ़ी कानून बनाए भी और उसमें अमेंडमेंट भी करा, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955, 57, 60, 85 और अभी जो रिसेंट हुआ था 2015 के अंदर. और फोर कैटेगरीज ऑफ पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, ऑन 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन जब यहाँ पे कमेंस हुआ था उसके बाद में चार कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को डिफाइन किया गया कि ये लोग हमारे देश के सिटीजन्स कहलाएंगे. एक तो वो पर्सन जिसके पास डोमिसाइल है इंडिया का और वो फिलफिल करते हैं कोई भी तीन कंडीशन, या तो वो बॉर्न हुए हैं इंडिया के अंदर, या फिर उनके कोई पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं इंडिया के अंदर, और या फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं इंडिया के 5 साल इमीडिएटली कमेंस मतलब कमेंसमेंट जैसे 45 से 50 तक इंडिया के अंदर रह रहे होंगे तो वो भी यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे. तो ये है सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे आर्टिकल 5. नेक्स्ट आता है जो पर्सन माइग्रेट होके माइग्रेट टू पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया के अंदर जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ पे उन बिकेम एन इंडियन सिटीज़न, वो भी इंडियन सिटीज़न माने जाएंगे अगर उनके कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, अनडिवाइडेड इंडिया जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक थे तब उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के नागरिक रहे हों, या फिर आल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द टू कंडीशंस, या किसी भी मतलब या तो वो माइग्रेट होके इंडिया में आए हों बिफोर जुलाई 1948, इस डेट से पहले वो आ गए, क्योंकि उसके बाद में बंद हो गए थे, इसके बाद में नहीं आ रहे थे, सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, तो इस डेट से पहले आ गए हो, और या फिर वो ऑर्डिनरी सिटी रेजिडेंट हो इंडिया को जब यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, मतलब जब से वो माइग्रेशन की डेट डिसाइड हुई थी तब से वो रेजिडेंट इंडिया के अंदर ही रह रहे हों, या फिर इन केस अगर वो माइग्रेट हो जाते हैं इंडिया के ओन एंड आफ्टर 1948, अगर वो 1948 के बाद में आते हैं तो वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हो एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो उसके बाद में अगर आएँ तो अगर उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई थी तो भी वो सिटीज़न ऑफ इंडिया करवाएंगे, अगर उससे पहले आ गए 5 साल पहले उनसे रह रहे हैं तो भी सिटीज़न कराएंगे, या फिर उनके पास में जो यहाँ पे उनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड ऑफ इंडिया के अंदर रहे हों. ठीक है, तो ये कंडीशन है जिससे जो नागरिकता है वो मिलती है इंडिया की. एंड बट पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड, अगर वो पर्सन 1948 के बाद में आया जुलाई 19 के बाद में, अगर कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ हैड बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ, उसको रजिस्टर्ड, अब यहाँ पे बात की थी रजिस्ट्रेशन की, तो उसको रजिस्टर्ड तभी किया जाएगा जब वो यहाँ पे रेजिडेंट रह रहा हो इंडिया के अंदर 6 महीने से, जब उनको मतलब कि अप्लाई करने के बाद प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हिज अप्लाई, मतलब उस अप्लाई करने से पहले वो यहाँ पे 6 महीने से इंडिया के अंदर रह रहा हो, तो फिर बाद में उसने अप्लाई किया फिर वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन उसकी हो गई. पर्सन जो माइग्रेट चले गए थे पाकिस्तान के अंदर इंडिया से 1 मार्च 1947 के अंदर, बट बाद में वो उनको लगता है कि वहाँ पे हमारा रहना अच्छा नहीं है, हम इंडिया में वापस जाना चाहिए, यहाँ पे मन नहीं लग रहा, तो वापस इंडिया के अंदर आते हैं दोबारा रीसेटलमेंट होने के लिए, वो इंडिया के सिटीजन्स बन सकते हैं पर उसके लिए ही हैड टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 6 मंथ. जब वो अप्लाई करते हैं उससे पहले वो 6 महीने इंडिया के अंदर रहे हों, उसके बाद में अप्लाई करते हैं फिर इनकी रजिस्ट्रेशन होती है और इनको भी इंडिया का सिटीज़न मान लिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये थे कि वो पाकिस्तान से आए हों या फिर इंडिया से गए हों फिर वापस पाकिस्तान से आ गए हों, तो वो दोनों ही केस में वो उनको रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, इंडिया के सिटीज़न बन सकते हैं. अ पर्सन जो यहाँ पे एनी ऑफ जिनके कोई भी पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर जन्मे हों,
तो वो और वो पर्सन खुद क्या रह रहा हो, बट हु इज़ ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड, पर वो क्या रह रहा हो, वो बाहर रह रहा हो, पर उसके माता पिता ने जन्म लिया हो अनडिवाइडेड के अंदर, तो वो भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कोई डिप्लोमेट से या कौंसुलर रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जो डिप्लोमेट और कौंसुलर होते हैं वहाँ, उनसे रजिस्ट्रेशन करवा के वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है, चाहे वो वेदर या चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले की बात हो चाहे कमेंसमेंट के बाद की बात हो, कि अगर कहीं आप फॉरेन में रह रहे हों, जैसे कि कई बार वो जो जैसे कई होते हैं कि कुछ दंगे फसाद हो, जैसे गदर पार्टी के कुछ लोग थे जो बाहर में फॉरेन में रह रहे थे, या फिर कई हो जैसे सुभाष चंद्र बोस बाहर चले गए थे, तो ऐसे कुछ भी जिनके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे और यहाँ पे, या वो खुद यहाँ पे रहते थे या उनके पेरेंट्स हुज पेरेंट्स या वो खुद यहाँ पे उनके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे रहते थे और फिर वो वापस यहाँ पे आते हैं और 6 महीने पहले यहाँ पे इंडिया के अंदर रह रहे हो, फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो वो इंडिया के सिटीज़न बन सकते हैं। Does this provision cover the overseas Indians? जो चाहते हैं इंडिया की सिटीजनशिप पाना, ओवरसीज इंडियन को यहाँ पे सिटीजनशिप मिलती है अंदर आर्टिकल 8 के अंदर। अब यहाँ पे इन प्रोविजंस को हम डील करते हैं सिटीजन्स के अंदर, पर्सन जो डोमिसाइल है इंडिया के अंदर, एक तो वो पर्सन जो डोमिसाइल है इंडिया, जिनका इंडिया के पास, जिनका इंडिया के अंदर डोमिसाइल बना हुआ है किसी भी स्टेट, जैसे हमारा डोमिसाइल बनता है जिस स्टेट में हम रह रहे हो, तो वो इंडिया का सिटीजन्स हो गया। एक पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए, चाहे 1948 से पहले आए चाहे 1948 के बाद में, जुलाई 19 के बाद में आए, तो उनको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और 6 महीने के लिए यहाँ पे रहना होगा। पर्सन जो माइग्रेट चले गए पाकिस्तान में और बाद में वापस आए, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और फिर वो इंडिया के सिटीजन बन जाए। एक पर्सन जो बाहर रहते हों पर उनके माता पिता ने इंडिया अनडिवाइडेड में जन्म लिया हो, तो वो भी यहाँ पे 6 महीने रह के उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, वो कुछ अदर प्रोविजन भी हैं कि कोई भी पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया का है और टू बी, या फिर जिसे सिटीजन ऑफ इंडिया माना, डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो वॉलेंट्री एक्वायर करता है किसी भी सिटीजनशिप, मतलब या होने वाला है या वो है भी सिटीजन, तो वो अगर किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है अंडर द आर्टिकल 9, तो वो इंडिया का सिटीजन अब नहीं रहेगा। ठीक है, अगर वो बाहर की, हम किसी के देश और देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो यहाँ से अपनी जो सिटीजनशिप है ऑब्वियसली टर्मिनेट हो जाएगी। हर एक पर्सन जो यहाँ पे हु इज़ या फिर है यहाँ पे डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कंटिन्यू रह सकता है टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे आपके मतलब कि जो कानून के दायरे में रह के पार्लियामेंट द्वारा जो कानून बनाए जा सकते हैं उनसे आप सिटीजन्स बन सकते हैं या होते हैं, मतलब कि आपकी नागरिकता लॉ के अंडर यहाँ पे छीनी जा सकती है पार्लियामेंट द्वारा कानून बना के। तो पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया वो कंटिन्यू रह सकते हैं एज अ सिटीजन, अब जब कब डिसकंटिन्यू हो जाए वो पार्लियामेंट पर डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ ऐसे प्रोविजन प्रावधान करके कुछ ऐसे ताकि जिनसे एक्वायर की जा सकती है जो सिटीजनशिप या टर्मिनेट की जा सकती है, जैसे वापस भी ली जा सकती है और अदर मैटर जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है उनके लिए जो कानून बनाती है वो पार्लियामेंट ही बनाती है। अब आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें ये बोला गया है कि हम ले सकते हैं और हमारी नागरिकता छिन भी सकती है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन पारित हुआ तो हमें किसी को मिली और किसी की छिनी, ये इसके बाद में इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुए जैसे 2015 में हुआ। ओरिजिनली जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था उसमें प्रोवाइड किया गया था आल्सो प्रोवाइडेड फॉर कॉमनवेल्थ चिल्ड्रन, तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ की सिटीजनशिप भी हमें मिलती थी, बट इस प्रावधान को बाद में रिपील कर दिया गया 2003 के अंदर। एक्विजिशन ऑफ सिटीजन, अब एक्वायर कैसे करते हैं हम सिटीजनशिप, 5 वेज होते हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति को हमारे देश की नागरिकता मिलती है। सबसे पहला होता है बाय बर्थ, अगर उन्होंने यहाँ पे हमारे देश में जन्म लिया हो आफ्टर 26 जनवरी 1950 या फिर बिफोर 1 जुलाई 1987, तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, बाय बर्थ कहलवाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, चाहे उनके पेरेंट्स की कोई भी नेशनैलिटी रही हो, ठीक है, वो भारत के नागरिक कहलवाएंगे अगर उन्होंने 1950 से 1987 में हमारे देश में जन्म लिया हो। पर्सन अगर इंडिया के अंदर बोर्न हुआ है 1987 के अंदर, तो उनके साथ क्या होगा, तो वो भी सिटीजन कहलवाएंगे
अगर उनके कोई पेरेंट्स सिटीज़न ऑफ इंडिया रहे हों उनकी टाइम ऑफ बर्थ के। अब यहाँ पे नेशनैलिटी नहीं देखी गई थी पेरेंट्स की, बट यहाँ पे पेरेंट्स की नेशनैलिटी देखी जा रही है कि उनके पेरेंट्स इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है, तो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसा क्यों 87, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्दर दोज बॉर्न इन इंडिया, अगर जो कोई लोग यहाँ पे जो बच्चे बॉर्न हुए हैं 2004 के भी बाद में, वो भी सिटीज़न ऑफ इंडिया कहलाएंगे अगर उनके दोनों पेरेंट्स जो होंगे वो सिटीज़न ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक पेरेंट की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों पेरेंट्स की बात हो रही है, एंड और वन ऑफ हिज हुज पेरेंट ऑफ इंडिया एंड अदर इज़ नॉट एन इलीगल, जिनमें से जिनके जिनका एक जो जो माता पिता में से एक हुज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा और दूसरा जो होगा वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। मतलब दोनों ही यहाँ पे सिटीजन ऑफ, बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, बोथ या वन, और दूसरा जो होना चाहिए वो इलीगल आया ना होना चाहिए, मतलब कि लीगली हमारे देश में रह रहा हो वो। चिल्ड्रन जो फॉरेन डिप्लोमेट जो पोस्टेड होते हैं इंडिया के अंदर या एनिमी एलियंस जो होते हैं वो कैन नॉट एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, तो वो एक्वायर नहीं कर सकते इंडियन सिटीजनशिप को बाय बर्थ, ये एक्वायर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हमने तीन चीज़ें दिखाई गई हैं, यहाँ पे एक तो जो वो जिनको बाय बर्थ मिल गई है जब उनके कोई यहाँ पे पेरेंट्स का नहीं पूछा गया टिल 1987, उसके बाद में वन पेरेंट होना चाहिए और 2004 के बाद में दोनों पेरेंट्स इंडिया होना चाहिए, या फिर एक हो और दूसरा जो लीगली ले रहा हो। नेक्स्ट आते हैं बाय डिसेंट, डिसेंट की यहाँ पे अ पर्सन जो आउटसाइड ऑफ इंडिया बॉर्न हुआ है 1950 के बाद में वो इंडिया से बाहर पैदा हुआ है, पर बिफोर 10 दिसंबर 1902 के यहाँ पे इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, पर यहाँ पे मतलब कि 1992 से पहले वे जन्मे जो भी बच्चे हैं वो बाय डिसेंट भी इंडिया के सिटीज़न बन सकते हैं अगर उनके पिता सिटीज़न ऑफ इंडिया है एज अ टाइम ऑफ देयर बर्थ, उनके बर्थ के टाइम पे वो उनके अगर उनके पिता फादर जो हैं सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं तो वो बाय डिसेंट कि वो उनके बच्चे हैं तो वो यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप उनको मिल सकती है चाहे वो बच्चा बाहर रह रहा हो। इफ़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट अगर पर्सन आउटसाइड ऑफ इंडिया है ऑन एंड आफ्टर 1992 तो इज़ कंसिडर टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अगर उसकी आइदर ऑफ हिज पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ योर बर्थ। तो यहाँ पे आइदर ऑफ पेरेंट्स की भी बात की है कि 1992 के बाद में भी तो उनके किसी कोई एक पेरेंट को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और 3 दिसंबर 2004 में ऑनवर्ड एक पर्सन जो आउटसाइड ऑफ इंडिया बॉर्न हुआ है वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होगा बाय डिसेंट अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एज एन इंडियन कॉन्सुलेंट विद इन वन, अगर मतलब कि बाहर जन्मा पर वो एक साल के अंदर अंदर क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं इंडियन कॉन्सुलेट से एक साल के अंदर अंदर, तो वो इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा और नहीं कहलवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है 1992 की कि उनमें से एक पेरेंट होना चाहिए, 2004 से पहले वो सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय डिसेंट नहीं बन सकता जब तक कि एक साल के अंदर अंदर वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन ना करवाया हो इंडिया की सिटीजन, उसको रजिस्ट्रेशन ना करवाया हो एज अ इंडियन सिटीज़न, ठीक है। अब यहाँ पे विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द एक्सपायरी, अगर एक सर्टेन ये पीरियड जो साइड पीरियड चला जाता मतलब एक साल से 3-4 महीने ऊपर हो जाते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ जो होती है छोटे बच्चे की टू अ इंडियन कॉन्सुलेंट उसको अकम्पेन किया जाता है कि अंडरटेकिंग ली जाते कुछ लिखवाया जाता शपथ पत्र की राइटिंग में पेरेंट्स से उस बच्चे की दैट ही और शी डज नॉट होल्ड द पासपोर्ट ऑफ अंदर की उनके पास किसी भी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। जो जैसे जो पेरेंट्स होते हैं बाहर जाते हैं या घूमने जा रहे हैं किसी जॉब पर्पज से जा रहे हैं वहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं लेडीज़ और फिर वो वहाँ पे ये बोलते हैं कि हमने वहाँ हम किसी और देश की नागरिकता हमारे पास नहीं है और एक साल में अपने बच्चे को यहाँ पे इंडिया में रजिस्टर करवा लेते हैं तो उन बच्चे को भी बाय डिसेंट जो होती है सिटीजनशिप मिल जाती है। एंड शेल यहाँ पे फर्दर जो माइनर जिनके हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू अगर वो बच्चा बाय डिसेंट यहाँ पे इंडिया का सिटीजन बना है तो वो इज़ आल्सो अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री शेल सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो यहाँ पे उसको किसी और देश की भी नागरिकता मिल जाए तो उससे उसकी इंडिया की सिटीजनशिप है वो छीन ली जाएगी इफ़ ही डज नॉट रिनाउंस द सिटीजनशिप।
तो और नेशनली और एनी अदर विद इन द 6 months ऑफ इज अटेनिंग फुल एलिजिबिलिटी, मतलब उसने रिनाउंस नहीं करी तो भी उसकी सिटीजनशिप यहाँ पे सीज हो जाएगी। अब आती है बाय रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम एप्लीकेशन करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं एज ए इंडियन पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो कैसा होता है, अगर इफ़ यू बिलोंग्स टू एनी ऑफ द कैटेगरीज, नेमली अब किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे हम उसको एक एप्लीकेशन दे के सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई पर्सन इंडियन से और इंडियन ओरिजिन का है, हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू अ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है और वो 7 साल से रह भी रहा है इंडिया के अंदर, तो फिर वो बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। मतलब वो बीच में फॉरेन चले गए थे, फिर वापस आके रहने लग गए, तो फिर वो बाद में इंडियन की सिटीजनशिप ले लेते हैं। पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है और हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री, पर अभी वो किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब किसी और कंट्री में अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहा है, फिर बाद में वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। पर्सन जो मैरिड करता है सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ में एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट रह रहा है इंडिया में 7 साल से रजिस्ट्रेशन से पहले, मतलब कि रह रहा है और उसने इंडियन सिटीजन से शादी भी कर ली है 7 साल से रह रहा है, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ ए पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं और उनके जो बच्चे होंगे वो रजिस्ट्रेशन से इंडियन के सिटीजन बन सकते हैं। पर्सन जो फुल एज और कैपेसिटी के, उनके पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जब कोई पर्सन अपूर, मतलब जो बच्चा है अभी नहीं करवा रहा, उसके वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है 18 साल का, फुल एज का हो जाता है, कैपेसिटी का हो जाता है, तो हुज पेरेंट जो रजिस्टर्ड थे सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो भी क्या बन जाता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु इज़ आइदर ऑफ इज, या तो वो या फिर उसके पेरेंट्स वो सिटीजन ऑफ इंडिया रहे हों इंडिपेंडेंट इंडिया के, या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं 12 महीनों से इमीजिएटली, मतलब 12 महीनों से वो इंडिया के अंदर रह रहे हों, और उनके पेरेंट्स भी जो इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन रहे हों, तो वो बच्चा भी क्या है यहाँ पे फुल एज कैपेसिटी में रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा। पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन अगर वो आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, अब यहाँ पे इंडियन ओरिजिन की बात हुई है, तो इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि या तो उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए अनडिवाइडेड इंडिया में, और उस किसी ऐसी टेरिटरी जो कभी पार्ट रही हो इंडिया की आफ्टर 15 अगस्त 1947, मतलब उसके इंडियन ओरिजिन का तब कहलाएगा, मतलब उसके पेरेंट्स ने अगर इंडिया अनडिवाइडेड में या 15 अगस्त के बाद में किसी इंडिया के पार्ट में जन्म लिया हो। ये सभी जो कैटेगरीज़ के जो पर्सनस होते हैं उनको यहाँ पे एक शपथ ली जाती है कि भाई आप यहाँ पे निष्ठा दिखाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, देश के प्रति, और सिटीजन्स ऑफ इंडिया के, फिर उनको रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं। तो ये वो ओथ होती है जो उनसे ली जाते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाय नेचुरलाइजेशन, अब नेचुरलाइजेशन से कैसे ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन करके फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है नेचुरलाइजेशन किसी पर्सन को, अगर वो कुछ क्वालिफिकेशन रखते हैं तो ही आपको ये नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट लिखते हैं। नॉट बीइंग एन इलीगल, कोई वो इलीगल माइग्रेट नहीं होना चाहिए। Prevented from, that is he is not a subject of citizen, ये बताते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होगी कि वो किसी और देश का नागरिक ना हो। Where the citizen of India are prevented from, उस देश का भी नागरिक ना हो जहाँ पे citizen जो इंडिया के नागरिक हैं उनको यहाँ पे रोका जाता है कि आप इस देश के नागरिक नहीं बन सकते। अब अगर हमें कोई दूसरा देश हमें नागरिकता नहीं दे रहा, तो हम उनके नागरिकों को कैसे नागरिकता दे सकते हैं? तो ये होता है कि उस देश का ना हो कि जहाँ पे हमें नागरिकता नहीं मिली हुई है। दूसरा कि अगर वो citizens हैं, if citizen किसी भी कंट्री का वो citizen है और उसने अपने वहां की जो सिटीजनशिप अगर छोड़ दी है, तो वो यहां पे अप्लाई कर सकता है और यहां की सिटीजनशिप ले सकता है। अगर वो इंडिया के अंदर रह रहा है या फिर गवर्नमेंट के अंडर सर्विस कर रहा है 12 महीनों से लगातार, और अपनी एप्लीकेशन डेट से पहले 12 महीनों से लगातार यहाँ पे, तो वो नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे ड्यूरिंग द 14 years इमीजिएटली प्रोसीडिंग द सेट पीरियड ऑफ, और यहाँ पे 12 महीनों का टाइम पीरियड आया उसने लिखा दिया, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया, और 14 years इमीजिएटली प्रोसीडिंग द सेट पीरियड ऑफ 12th month ही हैज आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और इन द सर्विस ऑफ, मतलब 12 महीने पहले तो रह ही रहा, उससे पहले वो 14 साल अगर यहाँ में
इंडिया में रह रहा हो या सर्विस कर रहा हो तो वो यहाँ पे फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग द एग्रीगेट टू नॉट लेस देन 11, मतलब ये 11 महीने टोटल हो गए, यहाँ 11 साल यहाँ पे टोटल हो गए कि वहाँ पे 14 ईयर्स और 12 मंथ्स या फिर 10 साल वो यहाँ पे इंडिया में रहा हो तो उसको यहाँ पे नेचुरलाइजेशन से इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। और वो गुड करेक्टर का होना चाहिए, अच्छा भला आदमी चाहिए, ऐसे नहीं कि दंगे फसाद वाला टेररिस्ट हो यहाँ जिसको यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाती है। इमीडिएटली प्रोसीडिंग सॉरी, और उसको कोई भी एक नॉलेज हो हमारे देश की लैंग्वेजेस की, जो एड शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज दी गई हैं उनकी उनको नॉलेज होनी चाहिए, कि अगर वो नॉलेज ही नहीं जाए, लैंग्वेज ही नहीं आते तो कैसे कम्युनिकेट करेगा हमारे इंडियंस के साथ में। एंड इन द इवेंट जब उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है नेचुरलाइजेशन के द्वारा, जब उसको वो इवेंट होता है जहाँ पे उसको नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा बीइंग ग्रांटेड टू हिम, तो वो इंटेंड्स टू रिसाइड इन इंडिया, तो वो भारत में रह रहा हो या और टू एंटर और इन टू कंटिन्यू इन द सर्विस अंडर द गवर्नमेंट हो, या भारत में रह रहा हो या सर्विस कर रहा हो या अंडर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज ए मेंबर या उसका मेंबर हो, जो जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है तो वहाँ पे उसके अंडर कार्य कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे नेचुरलाइजेशन से सर्टिफिकेट दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे उनकी सिटीजनशिप ले भी लेती है जो नेचुरलाइजेशन से मिलती है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द साइंस यहाँ पे अबव सॉरी उसके ऊपर ये जो ऊपर वाली जो कंडीशंस जो लगाई गई है ना नेचुरलाइजेशन में, ये जो कंडीशंस नहीं लगाई जाएंगी, मतलब ये सभी वेव ऑफ कर देंगे ले ली जाएगी, मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई जाएगी नेचुरलाइजेशन के लिए, अगर कोई पर्सन काफ़ी एक मतलब साइंस के अंदर कोई साइंटिस्ट हो, फिलोसफिकल आर्ट का काफ़ी ज्ञाता हो, तो ये सारी कंडीशंस नहीं लगाई जाती, उनके बिना भी उनको नेचुरलाइज सिटीजन मान लिया जाता है। बट उसको यहाँ पे एलिगेंस मतलब निष्ठा रखनी होगी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ऑफ इंडिया के, मतलब निष्ठावान होगा तो उसको यहाँ पे नेचुरलाइजेशन की ओर दिलवा के उसको नेचुरलाइजेशन से सिटीजन बना लिया जाता है। नेक्स्ट आता है भाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, हमारे देश के साथ किसी और हम कहीं किसी चीज़ का बजा लेते हैं या फिर कोई और टेरिटरी हमारे देश में मिलाया जाते हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया का सिटीजन ऑफ इंडिया बनाया जाता है। सच पर्सन्स बिकम सिटीजन ऑफ या किसी एक नोटिफाइड डेट से वो इंडिया के सिटीजन कहलाए जाते हैं, जैसे कि पांडिचेरी थी जो इंडिया का पार्ट बना था और फिर यहाँ पे इशू किया गया था सिटीजनशिप ऑर्डर 1962 में, और इसके बाद में ये लोग सिटीजन ऑफ इंडिया बने थे अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन कवर्ड बाय असम अकॉर्ड, एक ये स्पेशल प्रोविजन्स हैं, कुछ स्पेशल प्रावधान हैं कि ये जो सिटीजनशिप है पर्सन्स को मिली है जहाँ पे असम अकॉर्ड के लोग जो जिन असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जिनको सिटीजनशिप मिली है उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है। यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में कुछ स्पेशल प्रावधान डाले गए सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन जिन जो कवर कर रहे थे असम अकॉर्ड के लिए, जैसे कि इसमें था कि जो सभी पर्सन इंडियन ओरिजिन के हैं और वो असम के अंदर आए हैं 1 जनवरी 1966 से पहले, इंडियन ओरिजिन के हैं मतलब माता पिता उसके इंडिया में रह रहे होंगे और फिर वो जब विभाजन हुआ तो वो बांग्लादेश में चले गए और वो इंडिया में आ गए 1906 से पहले बांग्लादेश से, तो वो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे असम के अंदर सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री, जब से वो असम के अंदर एंटर हुए हैं वो सिटीजन होंगे इंडिया के फ्रॉम द 1 जनवरी 1966 से। हर एक पर्सन जो इंडिया ओरिजिन का है जो असम के अंदर आया है 1 जनवरी 1906 के बाद में भी, बट वो 1971 मतलब जो ये लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में और उसके बाद में बांग्लादेश नया एक देश बना था, तो यहाँ पे इससे पहले अगर कोई आ गया है इंडिया के अंदर और वो ऑर्डिनरी रह रहा है असम के अंदर, जब से वो आया था तब से वो असम के अंदर रह रहा है, एंड डिटेक्टेड टू बी फॉरनर शेड बी रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एंड उसको टू बी ए फॉरनर, और उसने यहाँ पे आके खुद को रजिस्टर भी करवा लिया, मतलब ये कि उसको कोई फॉरेनर से ट्रीट ना करें, उसने यहाँ पे आके रजिस्टर भी करवाया था, तो उन जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिसने अप्लाई किया तो उनको यहाँ पे सभी को भी सिटीज़न ऑफ इंडिया माना जाएगा। नेक्स्ट आता है बट द इंटरवेनिंग पीरियड जो 10 ईयर्स का था, जैसे 66 से यहाँ पे ये इंटरवेनिंग पीरियड जो 10 ईयर्स का फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज ए फॉरनर, जहाँ पे उसको डिटेक्शन एज ए फॉरनर किया गया था, बट द इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ टीरियर ही शैल हैव द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज द सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्टिंग द राइट टू वोट। यहाँ पे उसको जो 10 साल का ये प्रावधान था 66 76 के बीच में, तो यहाँ पे
अगर ट्रीट ऐसा भी किया तो उसके बाद में उसको यहाँ पे ये था कि ऑब्लिगेशन उसके ऊपर ये थी कि वो राइट ऑफ वोट नहीं दे सकता, बाकी उसको सभी अधिकार दिए गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि हमारी सिटीजनशिप छीन किस लिए किस यहाँ पे जाती है। तीन वेज होते हैं जिनसे हम अपने देश की नागरिकता छीन जाती है हमसे, एक तो रिनन्सेशन, एक टर्मिनेशन, एक डेप्रिवेशन। रिनन्सेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन अपनी फुल एज और कैपेसिटी के अंदर ये डिक्लेयर कर दे कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ, मतलब कि वो किसी और देश की नागरिकता लेना चाहता है, तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के एक पर्सन की, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद में डिक्लेयर होने के बाद में उनकी जो नागरिकता है वो यहाँ से छीन जाती है। हाउएवर अगर ये कोई डिक्लेरेशन तब हुई है कि जब कोई वॉर चल रही है, जब मतलब भारत देश के अंदर कहीं पे वॉर चल रही है, हम वॉर के अंदर इंक्लूडेड हैं, एंगेज्ड हुए पड़े हैं, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है उसको विदहेल्ड ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर फर्दर जब पर्सन जब रिनाउंस करता है अपनी इंडियन सिटीजनशिप, तो उसका जो माइनर चाइल्ड होगा उस पर्सन का, वो भी अगर मतलब किसी फादर ने यहाँ पे रिनाउंस कर उसका कोई छोटा बच्चा है, तो उसकी भी यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप छीन ली जाती है, मतलब उसको भी यहाँ पे सिटीजनशिप, वो भी इंडिया का सिटीजन नहीं बन सकता। फिर बाद में फुल एज कैपेसिटीज होने के बाद में हम देखते हैं कि कैसे नेचुरलाइजेशन और अदर मेथड से वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है या डिसेंट से। व्हेन सच ए चाइल्ड अपनी फुल एज 18 की करता है तो वो दोबारा इंडिया की सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकता है। बाई टर्मिनेशन, टर्मिनेशन से छीन ली जाती है अगर कोई इंडियन सिटीजन वॉलेंट्रली या कॉन्शियस को भी पता है नोइंगली और वॉलेंट्रली एक्वायर कर देता है किसी और कंट्री की सिटीजनशिप, तो यहाँ पे उसकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, चाहे वो बोले चाहे ना बोले उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप छिन जाती है। ये जो प्रोविज़न है डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग द वॉर, ये प्रोविज़न वॉर के टाइम पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है, कि भाई आपने कि यहाँ पे इंडिया के अंदर रहते हुए आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली और यहाँ पे दंगे फसाद करवा रहे हो, आप किसी में इंक्लूड हो और वॉर हो रही है हमारे देश के अंदर और आप किसी और, तो यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगी, मतलब उसको सज़ा का प्रावधान या कुछ अर्डर हो सकता है कि वॉर के केसेस में आप ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है बाय डेप्रिवेशन, कंपल्सरी जब टर्मिनेशन हो जाती है इंडियन सिटीजनशिप की कब होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कराई जाती है अगर किसी ने सिटीजनशिप ली है फ्रॉड से या कोई डिसलॉयल है काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, उनकी अवहेलना कर रहा है, अनलॉफुली ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे ड्रग्स का ट्रेड कर रहा है या कुछ अदर अनलॉफुली या कम्युनिकेट कर रहा है किसी एनिमी के साथ, मतलब पाकिस्तान या अदर देश जिनके साथ हमारी वॉर हो चुकी है उनके साथ ट्रेड, हथियार का ट्रेड करना, ड्रग्स का ट्रेड करना, ऐसा कुछ करना, तो हम उसकी सिटीजनशिप को उससे डिप्राइव कर सकते हैं। सिटीजन विद इन द 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अगर कोई सिटीजन है विद इन 5 ईयर जो रजिस्ट्रेशन के बाद में विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन उसको सज़ा हो गई है किसी दूसरे देश के अंदर 2 साल के लिए, भैया अभी उसने नेचुरलाइजेशन से अभी हमारे देश की नागरिकता पाई, फिर 2 साल के लिए उसको सज़ा होगी उसी जो 5 ईयर का पीरियड होता है अभी पाने के बाद में, किसी 2 साल के लिए किसी और देश के अंदर सज़ा होगी तो फिर वहाँ पे उसकी वो डिप्राइव हो जाती है हमारे देश की सिटीजनशिप। सिटीजन जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है आउट ऑफ द इंडिया फॉर 7 ईयर कंटिन्यूसली, अगर कोई बंदा बाहर घूमने के लिए तो क्या 7 साल के लिए, अगर कहीं पढ़ने के लिए गया वहीं जॉब मिल गई और वहीं पर वो 7 साल के लिए लगातार रह रहा है और वो इंडिया में नहीं आया तो वहाँ पे वो डिप्राइव हो जाएगा इंडिया की सिटीजनशिप से। अब आता है सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजन देखिए हमारे देश में ऐसा नहीं है कि किसी राज्यों के लिए अलग यहाँ पे सिटीजनशिप मिलती है, हम पूरे देश के ही हमारे भारत के नागरिक बनाते हैं, हमें कोई ड्यूअल पॉलिटी है सेंटर और स्टेट्स हैं पर हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, हम पूरे भारत के नागरिक कराते हैं, जैसे यूएसए में तो है कि अलग अलग स्टेट्स की सिटीजनशिप भी मिलती है, डबल सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है, हम डूअल इंजॉय यहाँ पे जो यूएसए वाले जो नागरिक होते हैं उनके 2 डूअल सेट ऑफ राइट्स मिलते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे माना जाता है कि ये जो सिस्टम होता है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, मतलब कुछ जो स्टेट होते हैं ज़्यादा डेवलप होते हैं कुछ कम डेवलप होते हैं, तो कई लोग जाएंगे उन्हीं स्टेट के अंदर जाना वहीं की नागरिकता लेना तो वहाँ के ज़्यादा यहाँ पे प्रिविलेजेस लेना, पर हमारे यहाँ पे नहीं है, आप चाहे किसी स्टेट में रह लो कहलाओगे भारत के नागरिक ही। एंड यहाँ पे उसके बाद में हमें राइट टू वोट, राइट टू अपहोल्ड द ऑफिसेज, राइट टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन, मतलब ये स्टेट के केस में है कि वहाँ पे अगर उसकी नागरिकता मिल गई तो वहाँ के उनके ऑफिसेज को ले सकते हैं। इंडिया के अंदर सभी सिटीजन को एक ही नागरिकता मिलती है भारत की नागरिकता और उनके सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स रहते हैं सिटीजनशिप में, चाहे कहीं पे भी चले जाएंगे उनके पॉलिटिकल राइट्स सिविल राइट्स बिल्कुल सेम रहते हैं और उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता किसी भी स्टेट के अंदर, और जनरल रूल्स जो है एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के उसमें कुछ एक्सेप्शन
एक्सेप्शंस है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, इसमें कुछ प्रावधान भी हैं कि जिसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, जैसे आर्टिकल 16 के अंदर ये बोला गया था कि कुछ एम्प्लॉयमेंट में, कुछ जॉब में स्टेट ये बोल सकता है कि ये वो परमानेंट हो, रेजिडेंट होने चाहिए उस स्टेट के, तो ये एक प्रावधान है कि जहाँ पे हमें ये लग सकता है कि उस स्टेट में जाके हमसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के केस में। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के अंदर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, कि ये बोला है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ के साथ नहीं होगा, पर यहाँ पे ये नहीं लिखा गया था कि ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस पे भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हम ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस पे भी कई जगह पे ये बोला जाता है कि वहाँ का रेजिडेंट होना जरूरी है, तो यहाँ पे क्योंकि हम बोल रहा था कि ये ओनली डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पे नहीं होगा रिलीजन, ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस पे हो सकता है, मतलब कि कुछ प्रेफरेंस दी जाती है रेजिडेंट्स को। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंट, हमें ये मूवमेंट थी आर्टिकल 19 के अंदर, बट यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया के अंदर हम नहीं जा सकते, वहाँ पे हम ज़मीनें नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये माना जाता है कि उनका कल्चर, उनका कुछ एक डिस्टिंक्टिव कल्चर लैंग्वेज है, तो उसको हमें यहाँ पे संजो प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कि जम्मू कश्मीर के, इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि उनकी स्टेट लेजिस्लेचर एम्पावर करती है कि वहाँ पे जो परमानेंट उनके रेजिडेंट हो उनको बहुत ज़्यादा अलग राइट्स और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, और जो अदर स्टेट से लोग जाते हैं वहाँ पे हम कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वहीं पे नहीं ले सकते, तो हम काफ़ी वहाँ पे उनको कोई राइट्स भी नहीं होते वहाँ पे, तो ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है जम्मू कश्मीर के केस में, जिसको अब हटाने की बात हुई है, 35A को यहाँ पे हटाने की बात हो रही है, उसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म, जम्मू कश्मीर वाले बोल रहे हैं कि इसको नहीं हटाया जाए, और ये काफ़ी क्रिटिसिज्म इसका है अभी काफ़ी ज़्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाइक दैट ऑफ कनाडा एक सिंगल सिटीजनशिप, कनाडा के अंदर भी सिंगल सिटीजनशिप है, जो इन प्रमोट करती है कि फीलिंग ऑफ भाईचारे की भावना, यूनिटी की भावना, और एक देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है, जिससे हो सकता है कि कमी होती है कम्युनल राइट्स में, पर हम फिर भी देख रहे हैं कि फिर भी कम्युनल राइट्स इतने फैल रहे हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर कॉस्ट कास्ट वार चल रही है, लैंग्वेज वार चल रही है हर किसी के अंदर, तो फिर भी हम इतना ज़्यादा इससे सक्सेस नहीं पा सके हैं सिंगल सिटीजनशिप होने पे भी। नेक्स्ट आता है ओवरसीन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सितंबर 2000 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक सेटअप करी हाई लेवल कमेटी इंडियन डायस्पोरा के लिए, ठीक है, हाई लेवल कमेटी ऑन इंडियन डायस्पोरा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एलएम सेबी, इंडियन डायस्पोरा जो लोग भारतीय होकर बाहर देशों में रह रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान नए किए जाएँ, कुछ अलग किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए, तो इस एलएम सिंघवी कमेटी ने रिपोर्ट दी 2002 के अंदर, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी, और उन्होंने बोला है कि भाई आप अमेंडमेंट कीजिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, और आप ड्यूअल सिटीजनशिप दे दो, जो पर्सन इंडियन ओरिजिन के हैं तो उनको दो मतलब वो उस देश के नागरिक भी रह सकते हैं और हमारे इंडिया के नागरिक भी बन सकते हैं, जो कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी के कंट्री के अंदर में रह रहे हैं, मतलब जो हम जिनके साथ कंट्रीज के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है वहाँ पर हमारे इंडियंस रह रहे हैं, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप भी दे दो आप अगर वो इंडियन ओरिजिन के हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 फिर लेके आया गया, और यहाँ पे प्रावधान था कि एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय PIO, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको अब OCI का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि वो इंडिया के सिटीजन अब कहलाएंगे। ऑफ 16 यहाँ पे कंट्रीज थी, उनके अंदर अगर जो भारतीय रह रहे हैं उनको ये OCI का सर्टिफिकेट दिया गया, उनको ये सिटीजनशिप दिए गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं मिला ये, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसमें थोड़ा सा स्कोप थोड़ी और एक्सपेंड कर दी OCI की फॉर PIO की, मतलब OCI जो सिटीजनशिप मिलती है उसकी थोड़ी स्कोप और एक्सपेंड कर दी, इसमें सभी कंट्रीज को आ गया, पहले 16 कंट्रीज थी अब सभी कंट्रीज हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के। OCI एक्चुअली जो इज नॉट एक्चुअली ड्यूअल सिटीजनशिप एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कोई ड्यूअल सिटीजन, क्योंकि इंडिया में जैसे बोला है कि ड्यूअल सिटीजनशिप आप नहीं ले सकते, तो ये कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। अगेन यहाँ पे अगेन सिटीजन मतलब यहाँ पे कुछ उनको कुछ प्रावधान या कुछ छूट मिलती हैं ये यहाँ पे इंडिया के अंदर, ये सिटीजनशिप ने कुछ उनको छूट दी जाती है इसके अंदर। अगेन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2015 में, और कुछ प्रावधान दिए गए जो OCI के लिए थे। यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नई स्कीम जिसमें बोला गया इसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, यहाँ पे मर्ज कर दिया गया PIO कार्ड स्कीम को OCI कार्ड स्कीम, जो पहले OCI के कार्ड या PIO के कार्ड मिलते थे इन दोनों को मर्ज करके बन गए
अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। अब PIU कार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड हुई थी 2002 में, उसके बाद में OCI कार्ड स्कीम आई थी 2005 के अंदर, और अभी भी दोनों स्कीम पैरेलल चल रही हैं। इवन दो जो OCI कार्ड स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर वो भी काफ़ी पॉपुलर है। दिस वॉज अ कॉजिंग यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है माइंड ऑफ एप्लीकेंट के अंदर यहाँ पे कि कौन सा अप्लाई करें, किसके लिए अप्लाई करें। कीपिंग इन द इन सभी प्रॉब्लम्स को व्यू के अंदर रखते हुए अब कुछ एनहांस्ड फैसिलिटीज दी जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट वन सिंगल, इस मतलब कि OCI का कार्ड ले, PIU का कार्ड ले, नहीं, अब दोनों को मर्ज करके एक ही OCI कार्ड होल्डर का नाम रखा गया और इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दैट आर एग्जिस्टिंग PIU कार्ड होल्डर, अब जो जिनके पास PIU का कार्ड होल्डर है अब उनको OCI के कार्ड होल्डर माना जाएगा 2015 के बाद में, और इस बस उनका नाम बदल दिया गया, यहाँ पे नाम बदल दिया गया। अब आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI कार्ड होल्डर, इंडियन होल्डर, अगर आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बनना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो क्या प्रोसेस होगा, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी ऑन द बिहाफ ऑफ रजिस्टर एज एन OCI, अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी होगी। कोई भी पर्सन फुल एज और कैपेसिटी का, 18 साल से ऊपर उम्र हो, खुद कैपेसिटी हो, वो सिटीजन अगर हो किसी दूसरी कंट्री का, बट वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ, पर वो इंडिया का भी सिटीजन रहा हो, अब वो दूसरी कंट्री का सिटीजन बन गया हो, पर जब भारत आज़ाद हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, उस टाइम पे अगर वो भारत का सिटीजन रहा हो तो वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। जो सिटीजन हो किसी दूसरी कंट्री का पर एलिजिबल हो सिटीजन ऑफ इंडिया का, जब वो कमेंसमेंट एलिजिबल, यहाँ पे एलिजिबल की बात हो रही है कि वो एलिजिबल हो कि वो इंडिया का नागरिक बन सकता है या फिर वो नागरिक हो, दोनों ही केसेस में उसे OCI कार्ड दिया जाएगा। अगर सिटीजन हो किसी दूसरी कंट्री का पर बिलोंग करता है टेरिटरी जो इंडिया का पार्ट थी ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, मतलब इंडियन टेरिटरी का पार्ट रहा हो वो, मतलब उस टेरिटरी से बिलोंग करता हो, मतलब वहाँ पे पहले वो रहता आया और अब किसी और देश में चला गया हो, तो भी वो बन सकता है, या फिर वो बच्चा हो या ग्रैंड चाइल्ड हो या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी हो सकता है उस सिटीज़न का, तो भी वो इंडिया का, मतलब उसके दादा परदादा भी इंडिया में अगर रह रहे हों तो भी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। पर्सन जो एक माइनर चाइल्ड है, पर्सन जो मैंशनड क्लोज ए के अंदर हैं, दैट यहां पे बात की जा रही है। अब जो बी और सी दिए गए हैं, ये जो फर्स्ट में बताए गए हैं कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे वो सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इन्हीं के जो बच्चे हैं वो इनके लिए अप्लाई कर ले, उनके माइनर चाइल्ड या उनके माइनर चाइल्ड इनके पेरेंट्स यहाँ पे रहे हों, या फिर यहाँ पे पार्ट डी के अंदर बोला गया है कि जिसने यहाँ पे जो सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ में जो फॉरन ऑरिजन के लोग हैं उनके साथ में शादी करी और उनकी मैरिज यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई हो 2 साल से, और 2 साल से रजिस्टर्ड हुई हो इमीडिएटली, और वो यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने एप्लीकेशन, तो वहां पे उनको इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाती है। नो पर्सन हु इज आइदर ऑफ अ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इज हैज बीन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश और एनी अदर कंट्री, जिसके सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं मिल सकता, वो एलिजिबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए OCI कार्ड होल्डर के लिए, या फिर कोई और कंट्री भी अगर, मतलब कल को अगर इंडिया डिसाइड करता है कि चाइना वालों को भी नहीं मिलेगा, तो अभी तक नहीं है, इस पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात हो रही है, तो उनको भी यहां पे OCI कार्ड होल्डर के लिए वो अप्लाई नहीं करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि डेट जब से ये एग्जिस्टिंग पर्सन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर कहलाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करते हैं कि कब से कहलाएंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन पॉइंट वन, अगर मतलब जो भी लिखा गया है पॉइंट वन के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट मे इफ इट सेटिस्फाइड कि स्पेशल सर्कमस्टांसिस कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फिर रिकॉर्ड कर सकती है उन सर्कमस्टांस भी, कौन कौन से सर्कमस्टांसिस थे आप लिख के बताओ, रजिस्टर कर सकते हैं एज ए पर्सन ऑफ इंडियन का कौन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसको यहाँ पे OCI कार्ड होल्डर बनाए, उनकी सर्कमस्टांसिस उन्हें वेरीफाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट आता है कन्फर्मेंट ऑफ ए राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अब कौन कौन सी राइट्स उनको मिलती हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के बाद में। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर होता है उसके पास कुछ सच राइट्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई करे उनके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है राइट्स को, कौन कौन सी राइट इनको दी जाएंगी।
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैं वो एंटाइटल नहीं कर सकते फॉलोइंग राइट, ये राइट्स उनको नहीं मिलते, वो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना ही वाइस प्रेसिडेंट का, ना जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ना हाई कोर्ट के, ना ही आप रजिस्टर्ड एज ए वोटर नहीं होंगे, आप यहाँ पे वोट नहीं दे सकते, ना ही आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे कोई मेंबर बनने के, MP MLA वगैरह नहीं बन सकते आप, ना ही आप एलिजिबल हैं MLA, ना ही MP बनने के, ना ही आप एलिजिबल हैं पब्लिक सर्विसेज के अंदर अपॉइंटमेंट देने के, IAS IPS ऑफिसर या कनेक्शन जो यूनियन के साथ जो कनेक्शन विद द फेज ऑफ यूनियन एंड अदर स्टेट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट ऑफ द सर्विसेज इन द पोस्ट इन सेंट्रल, मतलब सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज के अंदर आप पार्ट्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट आता है रिनन्सिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड आपका ले लिया जाता है, किस कंडीशन में ले लिया जाता है, अगर आप प्रिस्क्राइब्ड मैनर में डिक्लेयर निनाउंस द कार्ड रजिस्टर्ड हिम एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कि यहाँ पे जिसको OCI का कार्ड मिला हुआ है वो खुद ही यहाँ पे जाके बोल दे कि मैं भई ये अपना रिनाउंस कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर दे कि मैं रिनाउंस कर रहा हूँ इस सिटीजनशिप को या फिर ये कार्ड को वापस दे रहा हूँ ना, तो उसके बाद में उसका वो रिनाउंस हो जाता है, रिनन्सिएशन हो जाती है OCI कार्ड होल्डर की। या फिर जिसके पास OCI कार्ड होल्डर है वो जो स्पाउस है वो बंदा है वो खुद अगर अपनी OCI कार्ड ले वापस दे देता है या रिनाउंस कर देता है OCI कार्ड होल्डर की रजिस्ट्रेशन को, तो उसके बाद में उसके बीवी बच्चों का भी यहाँ पे रद्द हो जाएगी सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ OCI कार्ड होल्डर। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किस पे यहाँ पे हो जाता है, अगर रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं इसके लिए बाय, अगर वो आप ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉड से, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से, या फिर कोई मटेरियल फैक्ट आपने छुपाया है तो आपका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। OCI सिटीजन कार्ड होल्डर अगर कुछ डिसअफेक्शन दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो रद्द हो जाती है। ड्यूरिंग द वार अगर वो अनलॉफुली ट्रेड करता है किसी दूसरी एनिमी कंट्री के साथ तो वो रद्द हो जाती है। अगर विद इन 5 ईयर रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर आपको 2 साल की सज़ा किसी की है, सेम वैसे ही है जैसे हमारी सिटीजनशिप रद्द होती है वैसे ही OCI कार्ड होल्डर की रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाती है। अगर आप फ्रेंडली रिलेशन ऑफ इंडिया विद एनी फॉरेन कंट्री, इट इज़ नेसेसरी टू डू इन सम इवेंट्स, ये सारा कुछ क्यों किया जाता है, हम किस लिए का चाह रहे हैं, अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। द मैरिज ऑफ OCI कार्ड होल्डर, जो मैरिज होती है OCI कार्ड होल्डर की वो भी डिजॉल्व हो जाती है बाय कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, ये उनके द्वारा डिजॉल्व कर दी जाती है, उनकी मैरिज भी रद्द हो जाती है। एंड हैज़ नॉट बी डिजॉल्व, वो डिजॉल्व नहीं भी होती अगर ड्यूरिंग द सब्सटेंसेस ऑफ सच मैरिज ही हैज़ सोलमनाइज्ड मैरिज विद एनी अदर पर्सन। ठीक है, जैसे कि हमने वो टाइम पीरियड उसमें देखा था कि 2 साल का टाइम पीरियड है कि वो जीवन निर्वाह अपना गुजर बसर कर रहे थे यहाँ पे, तो उस टाइम पीरियड के बीच में, उस मैरिज जो उनकी हुई थी उस टाइम पीरियड के बीच में, अगर वो बंदा किसी और से शादी कर लेता है, मतलब विधि पूर्वक वो शादी अगर वो कर लेता है तो इट्स नॉट बी डिजॉल्व, तो वो शादी डिजॉल्व नहीं होगी अगर वो किसी और से शादी कर लेता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपेयरिंग द NRI PIO एंड OCI कार्ड होल्डर। तो आप यहाँ पे कंपेयर किया गया कि किसको क्या क्या प्रावधान दिए, किस किस को क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ कंपेरिजन की किसके साथ करना है, NRI है। NRI क्या कहलाता है, कोई भी इंडियन सिटीजन जो ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा है बाहर, इंडिया से बाहर, और उसके पास है इंडिया का पासपोर्ट, रह रहा है इंडिया से बाहर और उसके पास में है इंडिया का पासपोर्ट, तो वो हो गया NRI। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन PIO क्या होता है, पर्सन जो यहाँ पे जिनके हुज या जिनके एंसेस्टर है वो इंडियन नेशनल के, इंडिया के हैं, मतलब उनके दादा परदादा इंडिया के हैं, पर वो अभी खुद कहाँ पे रह रहे हैं, वो किसी बाहर वाली कंट्री के अंदर रह रहे हैं और उनके पास फॉरेन का पासपोर्ट है, उनके इंडिया का पासपोर्ट नहीं है उनके पास, वो बाहर रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता उन्हें मिली हुई है पर उनके दादा परदादा जो हैं वो इंडिया से हैं, तो वो हो गए PIO। NRI जिनके पास इंडिया पासपोर्ट है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर क्या होता है, कि जो पर्सन रजिस्टर्ड करा रहे थे अपने आप को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट, इसके अंदर हमने देख ली कि उनको रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है। ठीक है, ये जो फॉलोइंग कैटेगरीज के फॉरेन नेशनल्स होते हैं ये एलिजिबल होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और एज ए OCI कार्ड होल्डर। अब ये कौन कौन से कैटेगरीज के लोग होते हैं वो जिनको OCI कार्ड मिलता है, एक तो वो जो यहाँ पे सिटीजन्स हों इंडिया के, जब यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में तब वो सिटीजन्स रहे हों इंडिया के। ठीक है, हु वाज ए सिटीजन एट द इंडिया ऑफ टाइम, मतलब उस टाइम पे वो एलिजिबल हों, या फिर वो एलिजिबल हों या फिर
खुद हूँ अभी भी या बिलोंग करते हूँ किसी टेरिटरी ऑफ इंडिया जो 1947 में या उसके बाद में इंडिया की टेरिटरी के रहे हों, या फिर वो बच्चे हों या ग्रैंड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हों उन सिटीजन्स के जो भारत के नागरिक थे, ठीक है, तो उनको ये OCI कार्ड दिया जाता है। अब होता है कि हु इज़ एलिजिबल, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि NRI और PIO के लिए कौन एलिजिबल होता है, ठीक है। हु इज़ एलिजिबल, यहाँ पे ये भी इसका क्वेश्चन इसी के साथ ही कि किसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो ये इनको मिलता है एलिजिबल की जो ये कंडीशंस अप्लाई करता हो तो दैट आर एलिजिबल। एंड हु कैन वन गेट, किसको ये कार्ड मिलता है, ये उनको मिलता है एलिजिबल पर्संस टू अप्लाई ऑनलाइन। ये हाउ कैन वी गेट अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई करने के बाद में एलिजिबल पर्संस को ये कार्ड मिलता है। वेयर टू अप्लाई, अप्लाई करना कहाँ पड़ता है, अभी तक टिल सच टाइम जो ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज़ थी, टिल सच टाइम द ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस्ड एंड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शैल बी फॉलोड। यहाँ पे ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको प्रिंट आउट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, उसको पूरा कंप्लीट भरना पड़ेगा, फिर अलॉन्ग विद जो भी इंक्लूजन उनके साथ जो भी अटैचमेंट आपको डॉक्यूमेंट चिपकाने हैं वो दिखाने होंगे, डिमांड ड्राफ्ट देना होगा, फोटोग्राफ देना होगा, एंड डुप्लीकेट शुड बी सबमिटेड टू द इंडियन मिशन। यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें आपको इंडियन मिशन पोस्ट जिसके पास ड्यूरिसडिक्शन होता है हमारे ओवर द कंट्री की, वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे सिटीजन के लिए, मतलब वो सिटीजनशिप वहाँ पे जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं मिशन पोस्ट या इंडियन पोस्ट पे आप जाके ये अप्लाई कर सकते हैं, ये अपने सबमिशन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन का। इफ़ ही और शी इज़ नॉट लिविंग इन अ कंट्री, इफ़ ऑफ हिज और सिटीजनशिप टू द इंडियन मिशन पोस्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर द कंट्री। तो इसमें दो बातें हैं कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, आप उस रह रहे हो उसी कंट्री में, तो आप इंडियन मिशन पोस्ट में जाके ये अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कर रहे हैं, रह रहे हैं आप किसी दूसरी कंट्री में और अप्लाई कर रहे हैं दूसरी सिटीजन के दूसरी कंट्री के लिए OCI कार्ड के लिए, तो यहाँ पे उस मिशन पोस्ट के पास, मतलब जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं इंडियन मिशन पोस्ट पे, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए उस कंट्री का जहाँ के आप अब रेजिडेंट हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर वो देखता है कि इसको दी जानी चाहिए कि नहीं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ द एप्लीकेंट रिसाइड कर रहा है इंडिया के अंदर, तो प्रिंट आउट जो होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो कंप्लीट किया जाता है पूरी तरह से, फिर उसके अंदर अटैचमेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं डिमांड ड्राफ्ट फोटोग्राफ डुप्लीकेट में लगाया जाता है और उसे सबमिट किया जाता है फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस अकॉर्डिंग टू द ज्यूरिसडिक्शनल कंट्रोल। तो ये यहाँ पे अगर आप अपने इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं तो आपको ये देना पड़ता है FRRO के लिए, अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो आप जो अपना इंडिया मिशन पोस्ट या इंडियन पोस्ट के पास जाके अप्लाई कर सकते हैं कि हमें इंडिया की OCI कार्ड चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में ही रह रहे हैं तो आप फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस कितनी होती है, अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं इंडियन मिशन पोस्ट जो हमारे अब्रॉड के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे आपको $275 देने पड़ेंगे, और आप और इन केस एप्लीकेशन सबमिटेड इन इंडिया और इंडिया के अंदर सबमिट करें तो आपको ₹15,000 देने पड़ेंगे। अब कौन कौन से नेशनल्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो यहाँ पे 9% जो यहाँ पे जिनके ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट्स या जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बिलोंग करते हैं तो उनको हम नहीं लेंगे, उनको नहीं मिलेगा ये कार्ड, या फिर वो सच कंट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे कि भाई इसको भी हम नहीं देंगे, तो वो सारी कंट्रीज़। नेक्स्ट इज़ द व्हाट आर द बेनिफिट्स, जब हमें ये कार्ड मिल जाता है तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब NRI को कौन से बेनिफिट्स, सभी बेनिफिट्स जो इंडियन सिटीजन्स पे लागू होते हैं वो इनको मिलते हैं टाइम टू टाइम। यहाँ पे जो PRO है उनको कोई स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं मिलते, पर OCI कार्ड होल्डर को यहाँ पे PIO OCI कार्ड होल्डर को मल्टीपल एंट्री मिल जाती है लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्सन पर, बार बार आप आ सकते हैं इंडिया के अंदर, लाइफ लॉन्ग वीज़ा ले सकते हैं, आपको बार बार वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया में विजिट कर सकते हैं। हाउएवर जो OCI कार्ड होल्डर है उनको चाहिए कि उनको स्पेशल परमिशन टू अंडरटेक रिसर्च वर्क इन इंडिया, पर अगर आपको रिसर्च वर्क करने के लिए आना है इंडिया में तो आपको परमिशन लेके आना पड़ेगा, जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी FRO के पास पे, ठीक है। एग्जेम्प्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद फॉरन रीजनल रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे बार बार FRRO की ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब फॉर एनी लेंथ जितने टाइम तक आप रहना चाहते हैं वो इंडिया में स्टे कर सकते हैं, कि ऐसे नहीं कि जैसे कुछ टाइम में 6 महीने के बाद
बाद में दोबारा एफआरओ के ऑफिस में जाना पड़ेगा, दोबारा से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, नहीं नहीं कर सकते। पैरिटी विद द नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब ये इनको माना जाता है कि इनकी ये एनआरआई की जैसा ही इनके साथ जो होता है, इनके पास राइट्स होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड्स के अंदर। तो ये जो एनआरआई को जो फैसिलिटीज़ होती है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल फील्ड में, वो सभी यहाँ पे जो ओसीआई कार्ड होल्डर है उनको भी मिलती है। बट जो फैसिलिटीज़ होते हैं कि आप एग्रीकल्चर लैंड या प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़, ये आप नहीं ले सकते, ठीक है। एनआरआई ले सकते हैं पर ये ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं ले सकते। रजिस्टर्ड ओसीआई ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर शैल बी ट्रीटेड एट पार विद द एनआरआई, उनको एनआरआई के जैसा ही ट्रीट किया जाता है इन द मैटर ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। अगर यहाँ आपको इंडियन चिल्ड्रन अडॉप्ट करना है तो ये भी बिल्कुल पैरिटी होगी आपको एनआरआई के साथ ही। रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर वो ट्रीटेड किए जाते हैं रेजिडेंट इंडियन नेशनल के साथ भी, मतलब कि जो इंडिया के अंदर लोग रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, उनके साथ में भी उनके साथ पैरिटी होती है। अगर आपको इन मैटर ऑफ टैरिफ इन एयर फेयर्स, मतलब एयरपोर्ट में टिकट लेनी है तो कितना फेयर लगा, वो आपके साथ सेम ही लगेगा डोमेस्टिक सेक्टर ऑफ इंडिया, डोमेस्टिक सेक्टर में इंडिया में कहीं पर भी घूमने जाना है आपको तो वहाँ पर जो फेयर होगा आपके लिए उतना ही होगा जितना इंडियन सिटीजन के लिए होता है। रजिस्टर्ड ओसीआई कार्ड होल्डर होता है उनको सेम ही चार्ज किया जाता है जहाँ पे इंडियन विजिटर की जो फीस होती है, जब आप नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे उनकी सेम ही फीस होती है, ना कि उनको, मतलब जो फॉरेनर्स के लिए हम देखते हैं ना फीस काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो उनसे चार्ज नहीं की जाती, ओसीआई के लिए सेम ही फीस चार्ज की जाती है। हम यहाँ पे ओसीआई को सेम पैरिटी होती है उनकी एनआरआई के साथ इन रिस्पेक्ट ऑफ एंट्री फीस, जो एंट्री फीस होती है टू द विजिटिंग द नेशनल मॉन्यूमेंट्स, एनआरआई के साथ यहाँ पे अब उनकी पैरिटी होती है जब वो विजिट करते हैं किसी नेशनल मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पे पार्क की बात नहीं हो रही, नेशनल मॉन्यूमेंट की बात हो रही है, हिस्टोरिकल साइट की बात हो रही है और म्यूजियम की बात हो रही है, वहाँ पे जब जाते हैं तो आपको एनआरआई के जैसा चार्ज करना पड़ता है। परस्यूइंग द फ्लोइंग प्रोफेशन इन इंडिया, आप फॉलोइंग कुछ प्रोफेशन होते हैं जो आप इंडिया के अंदर परस्यू कर सकते हैं, अपना सकते हैं, इन परस्यूएंस ऑफ द प्रोविजन कंटेनिंग इन द एक्ट रिलेवेंट, जैसे कि आप डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्सेस, फार्मासिस्ट, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बन सकते हैं पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी नहीं बन सकते। टू अपियर फॉर द ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ये लोग अपियर हो सकते हैं ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के अंदर और जो भी टेस्ट होते हैं जहाँ पे टू मेक देम एलिजिबल फॉर द, मतलब इन सारे ऑक्यूपेशन को करने के लिए जो भी एलिजिबल टेस्ट होते हैं तो वो ये कर सकते हैं ताकि बाद में ये डॉक्टर वगैरह, फार्मासिस्ट, एडवोकेट वगैरह बन जाएं। स्टेट गवर्नमेंट भी इंश्योर करती है कि ओसीआई कार्ड होल्डर की जो रजिस्ट्रेशन बुकलेट और ओसीआई कार्ड होल्डर की, उनको ट्रीट किया जाता है एज देयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी सर्विसेज रेंडर टू देम, मतलब उनको यहाँ पे उनकी ओसीआई कार्ड को वो ट्रीट करते हैं जहाँ पे, मतलब कि उनको आइडेंटिफाई करना हो कि ये सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है तो उनको उसे कार्ड होल्डर उनका देखा। इन केस ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको रेजिडेंस का प्रूफ देखना हो तो आप देखें ओसीआई सिटीजन को इंडिया कार्ड होल्डर में गिवन एफिडेविट, उनको एक एफिडेविट दिया जाता है, स्टेट किया जाता है कि ये जो स्पेसिफिक एड्रेस है ट्रीटेड एज अ प्लेस ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि ये इस एड्रेस पे रह रहे हैं तो इन्हें रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही माना जाएगा, उनको एक एफिडेविट ये दिया जाता है। डज ही और शी रिक्वायर वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया, तो क्या उनको कोई वीज़ा लगाना होगा? नहीं, एनआरआई को नहीं लगाना। तो क्या पीआईओ को लगाना होगा? उनको लगाना होगा। और जो ओसीआई हैं वो विजिट कर सकते हैं विदाउट एन वीज़ा फॉर लाइफ लॉन्ग के लिए विजिट कर सकते हैं। क्या उन्हें चाहिए होगा कि वो रजिस्टर करवाएं लोकल पुलिस अथॉरिटीज से इन इंडिया के अंदर को? उनको क्या उनको लोकल पुलिस अथॉरिटी से बार बार रजिस्टर करवाना होगा? नहीं करवाना होता। ओसीआई को भी नहीं करवाना होता, पीआई को करवाना पड़ता है। अगर उसको इफ़ द पीरियड ऑफ स्टे इज़ फॉर मोर देन, अगर 180 दिन से ज़्यादा वो यहाँ पे रह रहे हैं तो फिर वहाँ पे उनको लोकल पुलिस अथॉरिटीज से रजिस्टर करवाना पड़ता है। वट एक्टिविटीज़ कैन बी टेकन इन इंडिया, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इंडिया में? सभी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये भी सभी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बस रिसर्च वर्क के लिए हमने बोला था कि यहाँ पे उनको से परमिशन लेके आने पड़ते हैं। ये एक्टिविटी कर सकते हैं एज पर द टाइप ऑफ वीजा, मतलब जिस टाइप का वीजा, मतलब कि यहाँ पे क्या आप टूरिस्ट वीजा लेके आए हैं या कैसा वीजा लेके आए, उस हिसाब की एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। हाउ कैन वन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं? ही इज एन इंडियन, ये तो एक इंडियन सिटीजन होते हैं क्योंकि इनके पास इंडिया का पासपोर्ट होता है। ये इंडियन सिटीजन ले सकते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर का फॉर 5 years। अ पर्सन रजिस्टर्ड एज एन ओसीआई कार्ड होल्डर फॉर 5 years हु कैन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देने से पहले ये 12 महीनों से यहाँ पे इंडिया में रह रहा हो फॉर रजिस्ट्रेशन एलिजिबल, फिर वो उसको एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ इंडियन, उसको यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप मिल रही है, इसको अपने पीछे अच्छी तरह से पढ़ लिया है।
एज पर द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, वो भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन सकते हैं इंडिया के अगर वो 7 साल. सो देर आर सम आर्टिकल्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. सबसे पहले मैं बताया कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तब हम सिटीजनशिप के बारे में बताया. फिर राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के में क्या राइट्स दिए होते जाते हैं पर्सन को, कौन कौन से राइट होते हैं कि वो हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में, उनको कौन से राइट हैं. राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, कुछ जो पाकिस्तान के माइग्रेंट्स हैं उसको भी कुछ राइट दिए गए हैं. राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, जैसे PIO या NRI वगैरह रहते हैं या OCI रहते हैं, उनको कुछ राइट दिए गए. पर्सन जो वॉलेंट्रली एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑफ अ फॉरन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन, तो वॉलेंट्री एक्वायर कर लेते हैं किसी दूसरे स्टेट की, फॉरन स्टेट की, यहाँ पे सिटीजनशिप, तो उनके वो अभी इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे. कंटिन्यूएंस ऑफ ए राइट्स ऑफ सिटीजन, अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपनी सिटीजनशिप को तो क्या कर सकते हैं. एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप के जो राइट होते हैं वो कंटिन्यूस रहते हैं. पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, पार्लियामेंट रेगुलेट करती है सिटीजनशिप के राइट को, उसमें कुछ प्रावधान या एड ऑन या प्रोविजन है वो सब पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं. अब यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट के बारे में लिखा गया कि ये सिटीजनशिप एक्ट में क्या लिखा है. टाइटल इंटरप्रिटेशन, सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, ये सब लिखा हुआ है. यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन जो असम अकॉर्ड के नागरिकों के लिए लिखा गया है. यहाँ पे सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जब कोई टेरिटरी ऐड हो जाती है तो वहाँ का नागरिक भी इंडिया का नागरिक बन जाता है. ओवरसीज सिटीजनशिप के लिए बारे में क्या लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन, आप OCI कार्ड होल्डर बन सकते हैं, आपके कुछ राइट्स, आपको कुछ हक आपको नहीं दिए जाएंगे OCI को, वो सिटीजन को होते हैं. आपका OCI कार्ड होल्डर कब ले लिया जाएगा, कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन कब हो जाएगी अगर आपने फ्रॉड से लिया हो. टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप किस केस में होते हैं, जब आप रिनाउंस खुद ही बोल दें कि हमें नहीं चाहिए, या फिर टर्मिन आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो ये अपने आप टर्मिनेट हो जाते हैं, या फिर डिप्राइव हो जाती है कि अगर आपने फ्रॉड से लिया हो. सप्लीमेंटल, कुछ सप्लीमेंट यहाँ पे डाले गए कि कॉमनवेल्थ की सिटीजनशिप यहाँ पे रिपील कर दी गई. पावर टू कन्फर द राइट ऑफ इंडियन सिटीजन ऑन इंडियन सिटीजन ऑफ अ सर्टेन कंट्रीज, ये मतलब इंडियन सिटीजन की राइट जो इन्हें मिली यहाँ पे इसको रिपील कर दिया कि नहीं पढ़ने की जरूरत है. सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई डाउट है तो सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप है. यहाँ पे डिस्पोजेबल, यहाँ पे कुछ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है. डिस्पोजेबल ऑफ एप्लीकेशन अंडर 567A, इशू ऑफ ए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो दिए जाते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही आइडेंटी कार्ड दिए जाएंगे, जो हमें जो आधार कार्ड वगैरह दिए जाते हैं, थोड़ी बहुत फीस, या रिवीजन या रिव्यू, या डेलीगेशन ऑफ पावर्स किसके पास हैं. ऑफेंस अगर हम करते हैं तो क्या होगा. एंड पावर टू मेक रूल बनाने का पावर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के पास है. और ये जो 19 था, कुछ जो रिपील्स हैं जो रिपील करके दिए उनको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया गया है. शेड्यूल्स ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, जो शेड्यूल्स हैं फर्स्ट शेड्यूल में जो वो सारी कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं जो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप में थी तो यहाँ के अपने को नागरिकता मिल जाए, पर ये बाद में रिपील हो गया था. सेकंड शेड्यूल में ओथ ऑफ एलिगेंस लिखी हुई है. थर्ड शेड्यूल में कि क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए अगर आपको नेचुरलाइजेशन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए. फोर्थ या मतलब रजिस्ट्रेशन करवानी है सिटीजनशिप की. फोर्थ शेड्यूल में वो कंट्रीज़ लिखी गई हैं जिनको OCI कार्ड होल्डर मिलता है, ओवरसीज सिटीजनशिप मिलती है. इसको ओमिट कर दिया गया था 2005 अमेंडमेंट के लिए. तो नोट्स एंड रेफरेंस मिल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सिटीजनशिप. नेक्स्ट हम करेंगे DPSPs के बारे में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर.